नमस्कार, मैं हूं शुभी और आप देख रहे हैं News4Nation। बिहार विधानसभा चुनाव और मंत्रिमंडल विस्तार के बाद पहली दफे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। ये मुलाकात बेहद अहम मानी जा रही थी क्योंकि इस दरमियान कई सारी बातों पर चर्चा होनी थी। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का ये 2 दिवसीय दौरा था और कल उन्होंने घंटों तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बातचीत की है। बताया तो ये जा रहा था कि बिहार के विकास कार्यों और साथ ही साथ जो बिहार के अभी के राजनीतिक हालात हैं उसको लेकर खास चर्चा होगी, लेकिन इन सब के बीच और भी जो बातें सामने आई है, खास करके बिहार के विकास कार्यों को लेकर जो प्रधानमंत्री के साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की गुफ्तगू हुई है, ये सारी जानकारी आपको देते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले। संसद भवन में दोनों नेताओं के बीच करीब 1 घंटे तक बातें हुई। इस दौरान खासकर बिहार के विकास कार्यों पर उन लोगों ने चर्चा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार में सभी क्षेत्रों का विकास किया जा रहा है, काफी विकास हुआ है। बिहार के विकास पर प्रधानमंत्री से पहले भी बात होती रही है, केंद्र सरकार का भी सहयोग मिला है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हर क्षेत्र, चाहे वो शिक्षा, सड़क या रोजगार के सवाल हो, हर जगह बिहार आगे बढ़ता दिखाई दे रहा है। बिहार में व्यापार भी काफी बढ़ा है, लोगों की आय बढ़ी है। हाँ, पर उस तरह के उद्योग का विकास उतना नहीं हो पाया, इस पर भी काम किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के हर घर में बिजली पहुंचा दी गई है, सभी घरों में नल जल की आपूर्ति की जा रही है। कुछ ही घर अब बचे हैं, यहां भी शीघ्र आपूर्ति शुरू हो जाएगी। जो भी कार्य है उन्हें हमें मेंटेन रखेंगे, इसके लिए नियम बनाए गए हैं। उन्होंने कहा कि पीएमसीएच को अंतरराष्ट्रीय स्तर का बनाया जा रहा है। बिहार इंजीनियरिंग कॉलेज को पहले ही एनआईटी में तब्दील कराया गया। वर्ष 2008 से कृषि रोड मैप बनाकर कार्य किया जा रहा है, इससे बिहार में उत्पादकता दोगुनी होगी। विपक्ष के आरोपों के सवाल पर कहा कि 2005 के पहले राज्य में अनाज की अधिप्राप्ति तक नहीं होती थी, हमने इसकी शुरुआत की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि रोजगार को लेकर हम लोगों ने जो भी कहा उसे जरूर पूरा करेंगे। सरकारी के साथ साथ हर क्षेत्र में रोजगार मुहैया कराने के लिए व्यापक काम किए जा रहे हैं, उसी दृष्टिकोण से हम लोग कार्य योजना कर बना रहे हैं। महिला सशक्तिकरण पर कार्य हुए हैं, पुलिस समेत अन्य विभागों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है। 2005 के पहले कहां किसी को रोजगार मिलता था। 2005 में बिहार का बजट 24,000 करोड़ था, जिसे बढ़ाकर 2,00,000 करोड़ से भी अधिक किया गया है। नेपाल के सवाल पर कहा कि अभी वहां की जो स्थिति है उसमें कई तरह की कठिनाई आई है। मुख्यमंत्री ने बताया कि बिहार चुनाव के बाद वो पहली दफे दिल्ली आए हैं, सबसे मिलेंगे, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से भी मुलाकात करेंगे। विपक्षी बयान दे रहे हैं इसको लेकर, बिहार की सरकार 5 सालों तक नहीं चलेगी। मुख्यमंत्री ने बोला कि वो आनंद में रहें, वो लोग अगर बोलने से ही उन्हें संतुष्टि मिलती है तो वो बोले, ऐसे लोगों को ना कुछ जानकारी है और ना ही समझ। ऐसे बयानों पर मैं कुछ भी बोलना उचित नहीं समझता हूँ। केंद्रीय कैबिनेट में जेडीयू के शामिल होने के सवाल पर मुख्यमंत्री ने कहा कि हम लोग तो साथ ही हैं, ये सब सोचने की बात है। हालांकि इस संबंध में प्रधानमंत्री से कोई बात नहीं हुई है, इस विषय पर हम लोग की तरफ से कोई भी चर्चा नहीं हुई है। तो आपको बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की ये मुलाकात पार्टी के लिए भी बेहद अहम मानी जा रही थी, क्योंकि कहीं ना कहीं अब जेडीयू अपनी आप को केंद्र स्तर की पार्टी बनाने की तैयारी में जुट गया है। और इस बात की भी चर्चा हो रही थी कि केंद्रीय कैबिनेट में शामिल होने की बात मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कर सकते हैं, लेकिन जब मीडिया से वो मुखातिब हुए तो उन्होंने कहा कि इस विषय पर कोई भी चर्चा प्रधानमंत्री से नहीं हुई है। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे ही अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए News4Nation। नमस्कार।